जाती है कि लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी क्या है. ठीक है, सो आई जस्ट सी इफ आई एम एबल टू शेयर माई स्क्रीन. या थैंक यू सर, जस्ट वॉन्टेड दिस जस्ट दिस. हम आज थोड़ा सा दूसरी तरीके से चलेंगे. आज हम पहले लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी को समझेंगे और फिर समझेंगे कि वो ये फिलॉसफी उनकी हुई क्यों. राइट, चलिए. लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी ये थी, या है, हम ये मानना चाहे कहेंगे इसको, कि दुख क्यों आता है. हर इंसान के जीवन में दुख आता है किसी ना किसी लेवल पर. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख आता जरूर. दुख आता क्यों है, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है. और अगर दुख आ गया है, ठीक है, तो उसका ओरिजिन क्या है, कि ये कहाँ से शुरू हुआ. जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, जब कोई भी प्रॉब्लम आता है, जो दुख आता है, हम उसी में फंस के रह जाते हैं, उसी के ऊपर ध्यान लगाते हैं कि भाई हमें यहाँ दर्द हो रहा है, तो ये दर्द हो रहा है तो इसी के ऊपर बाम लगाएंगे, इसी को हील करने की कोशिश करते हैं. बट जो इस दुख का ओरिजिन है उसके ऊपर कभी काम नहीं करते. राइट, जो दिखता है वही बिकता है, वही कहानी है हर इंसान की, चाहे वो दुख हो, दर्द हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो. तो इस दुख और दर्द का जो ओरिजिन क्या है, ये उनका सेकेंड फिलॉसफी है, कि इसके ओरिजिन को आप ढूंढो. अब उस ओरिजिन को ढूंढने के बाद उसकी सत्यता तक पहुंचो, कि आपका ये जो सफरिंग है या जो दुख है, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उसको हील करने का या उसको ठीक करने का सही रास्ता कौन सा है. रास्ते आपके पास बहुत आएंगे. बहुत लोग भटकते हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे. आई डोंट वांट टू नेम ऑल दोस थिंग्स. कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन सही रास्ता ढूंढना, दैट इज अगेन अ चैलेंज, है ना. उसके बाद उस रास्ते के ऊपर चलना, दैट इज द फोर्थ फिलोसफी ऑफ लॉर्ड बुद्धा. राइट, आपको पता तो चल गया कि भाई हमारी सफरिंग कहाँ से शुरू हुई है और हमें इसको सही रास्ता क्या है, लेकिन उस रास्ते पे आप चलो. तो जब तक आप उस रास्ते पे नहीं चलोगे, आपकी सफरिंग कैसे जड़ से खत्म होगी, है ना. तो ये है लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी. अब ये लॉर्ड बुद्धा की ये फिलॉसफी आई कहाँ से. आप सब लोग जानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा एक राजा के बेटे, यानी कि प्रिंस थे, राजकुमार थे, है ना. सभी को ये बात तो पता है. उनका जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्था था, और लुम्बिनी के वो बॉर्न हुए हुए हैं, जो अब नेपाल में है. पहले तो सब कुछ एक ही था, वो तो बाद में बाइफोगेशन हुए हैं, रेखाएं खिंच गई हैं, बट है तो सभी एक ही. उसके बाद उनको जब कुछ चीजें उन्होंने देखी अपने किंगडम में, उनको वो भी रिस्ट्रिक्शन थी कि आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको जब वो बॉर्न हुए थे तो एक साधु ने उनको कहा था कि या तो ये इंसान सन्यासी बनेगा और ये सब छोड़ पटक के चला जाएगा. तो ऑब्वियसली एज अ फादर, प्रिंस जो किंग थे, उनको काफी इनसिक्योरिटी हुई कि मेरा बेटा सन्यासी बन जाएगा तो ये राजकाज कौन संभालेगा. तो उन्होंने सब तरफ से उनको, पूरा जो किंगडम था, जो महल था उनका, उसको सील कर दिया कि ना ये बाहर की कोई तकलीफ देखेंगे, ना इनके मन में वो भाव पैदा होंगे कि इनको सन्यास की तरफ जाना है. लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जो डेस्टिनी में होता है, या जिसके लिए आप इस धरती पर आए हो, जो आपका सोल पर्पस है, वो कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ ही लेता है. अब लॉर्ड बुद्धा का जो सोल पर्पस था, वो ये था कि दुनिया के दुख दूर करने हैं, लोगों की तकलीफों को कम करना है या खत्म करना. तो उनको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही गया. एक दिन उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मैं देखना चाहता हूँ अपने किंगडम को. जब वो 16 साल के हो चुके थे, शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, तो अब जब वो देखना चाहते थे, तो एक बहुत ही विश्वसनीय अपने सारथी को राजा ने उनको पूरा अपना किंगडम घुमाने भेजा. और ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे पूरे किंगडम को कि भाई कोई भी दुख की चीज उनके सामने नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई दुख उनको दिखना नहीं चाहिए. लेकिन कहते हैं ना, जो दिखना होता है वही जो सोल पर्पस है, वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है. अब जब वो गए तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, तो उनको वो समझ नहीं आया कि ये किस तरह से उसका डिफॉर्मेशन हुआ है, ओल्ड हो गया, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, सब चेंज.
फिर उन्होंने एक डेड बॉडी को जाते हुए देखा, किसी की यात्रा जा रही थी, आखिरी यात्रा। वो भी उनको नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने सब क्वेश्चनिंग करते गए अपने सारथी से। फिर उसके बाद एक बहुत बीमार आदमी देखा, फिर एक सन्यासी को देखा, एस्थेटिक मैन, जो लोग बैठे थे उसके सामने वो प्रवचन दे रहे। अब ये जो चार चीजें उन्होंने देखी, उन चीजों को से उन्होंने वो सोच में पड़ गए कि ये क्या है, ये साइकिल क्या है। बच्चा हुआ, बच्चा तो उन्होंने देखा था क्योंकि उनका खुद को भी था। शादी हुई, इंसान बड़ा हुआ, बीमार पड़ा, बूढ़ा हुआ, और उसके बाद चला गया। और एक आदमी है जो सन्यासी, जो दूसरों को प्रवचन दे रहा है। तो ये जो कश्मकश थी, इसने उन्हें काफी सोचने पर मजबूर किया। और यही रीजन था जो वो अपने महल से बाहर आ गए एक दिन अंधेरी रात को, सब कुछ छोड़ पटक के वो निकल गए। यहां से उनकी, जो मैंने अभी चार ट्रुथ आपको बताए हैं, उसकी जो जर्नी है उन तक पहुंचने की, वो शुरू हुई। देखिए, आप सब लोगों ने सिद्धार्था की कहानी, लॉर्ड बुद्धा की कहानी सबने सुनी है, लेकिन उसके पीछे का जो एक्चुअल रहस्य है, या यू कहो जो पर्पस है, वो थोड़ा डिफरेंट है। बिकॉज उनका अवतार ही इसलिए हुआ था कि वो लोगों के दुख दर्द को दूर करें अपने तरीके से। बहुत महान लोग हुए हैं, जिसमें से एक बहुत कॉमन नाम है स्वामी विवेकानंदा। वो भी उसी रिल्म को फॉलो को बिलोंग करते हैं। उनकी एक स्टोरी अलग है, बट हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो है, उसके बाद वो गए, उन्होंने तपस्या करी, ये इधर आए हैं अपना पूना साइड पर, जो बौद्ध गया है वहां पर गए। वहां वो एक पेड़ के नीचे तपस्या करते रहे, कुछ नहीं हुआ, पूरा बॉडी कंकाल बन गई, तो भी उनको कुछ एनलाइटमेंट ही नहीं, कुछ उनको दिख ही नहीं रहा था क्या हो रहा है, बस बैठे हैं बैठे हैं। तो लोगों ने सोचा, चार उनके पांच डिसाइपल्स बन गए वहीं पर, कि अरे ये कोई साधु तपस्या कर रहा है, तो वहीं बैठने लग गए, वहीं उनके आसपास बैठने लग गए, सब करने लगे, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक गांव की एक लड़की आई उनके पास, और उसने उनको खीर दी और उनको उठा के बोला कि आप ये खा लो, आप बहुत कमजोर दिख रहे हो। अज्ञानता में उस लड़की ने ये कहा उनको, लेकिन उन्होंने जब वो खीर खाई तो उनको तृप्ति महसूस हुई कि हाँ, इस शरीर को चलाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हम क्योंकि इस दुनिया में हैं, हम यहाँ बॉर्न हुए हैं, तो हमारे सोल का कुछ पर्पस है, इसीलिए उसने हमारे शरीर को धारण किया है। और जब इस शरीर को धारण किया है, तो इस शरीर को चलाने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तब उन्होंने उस खीर को खाया, जाके नहा कर आए, अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया, और फिर वो निकल गए फिर से। अब उनकी सच्चाई की जो है कि मुझे क्या करना है, मतलब मेरा सोल पर्पस क्या है, सिर्फ ये चार चीजें ही पता करनी है कि साइकिल कैसे होती है, व्हील ऑफ लाइफ कैसा होता है, या कुछ और भी है। तब जाके उनको ये जब चीज का एहसास हुआ, तब उन्होंने जब मेडिटेशंस किए, जब वो ध्यान में गए, बौद्ध ट्री। बौद्ध ट्री क्या है, बेसिकली वो एक पीपल का पेड़ था, जहाँ जिसके नीचे वो बैठ गए। और वहां उनको एक दिन अचानक से, पूर्णिमा की रात को, जो बौद्ध पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं, जो अभी पिछले महीने गई है, उस दिन रात को उनको अचानक से कुछ एहसास हुए, उनके अंदर एनलाइटमेंट्स आई, जो हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जीज जिनको बोला जाता है, यूनिवर्सल एनर्जीज, या बुद्ध ज्ञान जिसको कहा जाता है, उसकी उनको वहां प्राप्ति हुई। अब यहाँ पर एक इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य और है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जब उनको ये प्राप्ति हुई, तो उनको लगा कि मैं तो सब चीजें ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि वो जिस चीज पे हाथ रखे वो सही हो जाती थी, क्योंकि उनको वो चीज मिल चुकी थी, एनलाइटमेंट जिसको कहते हैं ना, जो ईश्वरी ज्ञान होता है, उसकी प्राप्ति हो चुकी थी। लेकिन उस ईश्वरी ज्ञान को संभालना आसान नहीं होता है, ये बात भी उनको रियलाइज हो गई। उनके दिमाग में ये चीज आई कि भाई, अब जब मैं सबको ठीक कर सकता हूँ, तो दुनिया में दुखी क्यों रहे, सबका दुख हटा देते हैं। लेकिन अगर सबका दुख हट जाएगा, तो ये जो बैलेंस है, ये जो पांच तत्व हैं, जो धरती आकाश का जो एक बैलेंस चल रहा है, वो सारा ऊपर नीचे हो जाएगा, राइट। ऐसे में जो उनके सारथी थे, जिन्होंने वो चारों रिल्म उनके साथ देखे थे और सब चीजें उनके साथ समझी थी, उनको कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने खुद उनको दर्शन दिए, उनके सारथी को, और उन्हें कहा कि आप
इनको समझाओ क्योंकि आप ही की बात मानते हैं। और वो उनके पास गए और उन्होंने उनसे सिर्फ एक ही वो मांगा, वो मतलब कि एक ये कहा कि जब तक आपके पास कोई आए नहीं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या ये दुख है मुझे इससे मुझे हटा दो, या ये मेरा दुख ठीक कर दो, तब तक आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे। मतलब इस ये कहने का मतलब है कि उनको भी इस चक्रव्यूह में फंसा दिया गया, राइट? अब इस चक्रव्यूह में जब वो आ गए और यह सोचने पे उन्हें मजबूर कर दिया गया कि अब क्या करो, तब उन्होंने मंत्र जाप किए, मंत्र लिखने शुरू करे, अपने विचार लिखने शुरू करे। उनके जो 5 डिसाइपल्स थे वो उनको तरीके से फॉलो करने लगे और उन्होंने जो चीजें थी वो उनको लिखना शुरू करा, उनको समझना शुरू करा। मंत्र होते थे मंत्रों को इस तरह से 4.5 लाख मंत्रास जो है वो लॉर्ड बुद्धा ने दिए और उनके थ्रू हीलिंग्स शुरू हो गई। अब 4.5 लाख, आई थिंक सो इट इज 4,50,000 और समथिंग इस टाइप के कुछ हजारों हैं। और ये जो मैं पूरी आपको स्टोरी सुना रही हूँ ये कब हुई है, 620 बीसी में, 620 बीसी की बात है, बिफोर क्राइस्ट, जब लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था 1602 में ऐसा कुछ है उनका शायद, ऐसा कुछ है, बहुत साल पुरानी बात है। तो उस वक्त इतना लिखना लिटरेचर नहीं था, तो जो गुरु बोलते थे तो वो उनको कंठस्थ होना होता था, वो याद होना होता था और उसके थ्रू वो हीलिंग करते थे। तो इस तरह से ये लामा कई जो है वो लोग लामास बने जो उनकी इस फिलॉसफी को फॉलो करते थे। अब जो पद्धति आई, क्योंकि अब हर किसी को 4.5 लाख मंत्रा से तो हील नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। फिर धीरे 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 लॉर्ड बुद्धा ने कुछ सिस्टम्स बनाए अपने खुद के, लेकिन वो भी हम आम इंसानों को फॉलो करना इजी नहीं है, दे आर वेरी डिफिकल्ट। धीरे धीरे इसमें इम्प्रोवाइजेशंस होते गए, लोगों ने अपने तरीके से इसको थोड़ा चेंज करके इजी वे में बनाना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली डॉक्टर सैनी जो दिल्ली में बिलोंग करते हैं, एस के सैनी जी, इन्होंने इन मंत्रास को, इस पद्धति को समझा, इसके ऊपर शोध किया, शोध मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने रिसर्च किया इन मंत्रास के ऊपर, और तब जाके उन्होंने लामा फेरा पद्धति को बनाया। और ये पद्धति बहुत पुरानी नहीं है। डॉक्टर सैनी जो है वो 1964 बॉर्न है, तो आप समझ सकते हैं कि ही वॉज अ यंग मैन, लेकिन वो इन सब चीजों में इंडल्ज हुए और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इन मंत्रों को 12 सिंबल्स में ढाला। तो आप समझ सकते हैं एक एक जो सिंबल होता है लामा फेरा का वो कितना पावरफुल होगा।